आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं राशियों की ये सौगात, राशियों का ये खजाना, और आपको बताते हैं कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा, आज ग्रह कैसी स्थितियां लेकर आपके समक्ष खड़े हैं, कौन सी राशि आज आपके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकती है। तो सबसे पहले बात पंचांग की। 17 अगस्त मंगलवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:57 पर, शाम को अस्त होंगे 7:03 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र ज्येष्ठा, योग वैद्यति, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 3:47 से शाम 5:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:56 तक चलेगा। आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे कि घर के मेन गेट पर सिंदूर लगाना माना जाता है बहुत शुभ। आइए इसकी वजह जानते हैं। सिंदूर का नाम सुनते ही किसी भी नव विवाहित महिला की तस्वीर सामने आ जाती है। इसकी वजह यह है कि सनातन संस्कृति में सिंदूर को सुहागन का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है। यही वजह है कि प्रति मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। घर के सारे दोष हो जाते हैं दूर। बहुत सारे लोग सिंदूर में तेल मिलाकर अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कभी किसी तरह की अशांति नहीं रहती। इसके अलावा घर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से घर के सारे पीड़ाएं और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में किसी तरह की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती और जो पहले से विद्यमान है उसे बाहर कर देती है। दरवाजे पर सिंदूर से माँ लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न। मान्यता कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, साथ ही सिंदूर में तेल मिलाने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, तमाम बुरी नज़रों से रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से चेहरे पर कभी भी झुर्रियाँ नहीं पड़ती। शास्त्रों की माने तो अगर किसी महिला को वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी हो तो उसे अपनी दरिद्रता दूर करनी हो तो उसे सिंदूर से अपनी मांग भरनी चाहिए। आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। अगर आप आए दिन आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधें, उसके बाद उसकी नियमित पूजा करें, फिर मां लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए अपने व्यवसाय स्थल पर सुरक्षित जगह पर रख दें। इसके अलावा प्रभाव से धन की समस्या दूर होने लगती है। परीक्षा में सफलता या नौकरी के लिए गुरु पुष्प योग या शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में श्री गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसा करने से किसी भी तरह की परीक्षा में सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। नौकरी पाने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक पीले वस्त्र में अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग कर केसर मिश्री सिंदूर से 63 नंबर लिख लें, फिर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। और पति पत्नी में अगर प्रेम संबंध कम हो, पति पत्नी में प्रेम संबंध कम चल रहे हों तो उसे बढ़ाने के लिए भी सिंदूर का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। रात को सोते समय पति अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया रख दे। वहीं अगर पत्नी का प्यार कम हो गया हो तो पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकिया रख दे। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर फेंक दें, कपूर को निकालकर कमरे में जला दें। ऐसा करने से भी आपके प्रेम संबंध बनने लगेंगे। तो ये थी आज की विशेष बात। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन मन में कॉम्पिटिशन की भावनाएं अधिक रहेंगी। ज्ञान के इर्द गिर्द रहते हुए कार्यों को और अधिक पॉलिश करने की जरूरत, कार्यों के माध्यम से खुद को जितना अपडेट कर पाएंगे उतना भविष्य के लिए अच्छा होगा। वर्तमान समय में ग्रहों का सपोर्ट भी मिल रहा है। दिन का प्लान कर लें, कार्य नियमबद्ध और सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। और जो लोग रिकवरी का कार्य करते हैं उनके लिए दिन भर भागा दौड़ी लगी रहेगी। कान से संबंधित दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अधिक देर तक एयरफोन का प्रयोग ना करें, अनावश्यक लोन लेने से आपको बचना चाहिए। बात करेंगे वृषभ यानी कि टॉरस की।
आज के दिन मन में आ रहे विचारों को महत्व दें। बुद्धि आपकी तेज चलेगी, इसलिए इसका सही दिशा में प्रयोग करें। कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिसमें ज्ञान के आसपास बने रहने का मौका भी प्राप्त हो। उच्च अधिकारियों से आपको शाबाशी भी मिले, क्योंकि अगर ऑफिशियल मीटिंग है तो उसमें आज आपको कामयाबी मिले, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। रोजगार की बात करें तो आज व्यापारी छोटी छोटी चीजों से सीखते हुए कल की तरह आज भी नए व्यापार को लेकर अलर्ट रहें। सेहत को देखते हुए मानसिक तनाव से आपको दूर रहना है। यदि उच्च रक्तचाप की समस्या है तो अधिक सचेत रहें। घर का माहौल अच्छा रहेगा, मिलजुल कर सभी के साथ कार्य पूरे करें। बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। आज के दिन आपकी वाणी अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि वाणी और भाग्य का कॉम्बिनेशन सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। स्वभाव में जितनी सौम्यता होगी आपके उतने काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र के लिए दिन सामान्य रहेगा। वहीं दूसरी ओर यदि कोई नया प्रोजेक्ट या कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा हो तो उसे हाथ से ना जाने दें। खुदरा व्यापारियों को अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑफर निकालने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी जुकाम से अलर्ट रहते हुए ठंडी चीजों के सेवन से भी परहेज करना होगा। ग्रहों की स्थिति अचानक मां के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकती है। बात करेंगे अब कर्क राशि वालों की। आज का दिन क्रोध अधिक आ सकता है। अंतरिक्ष में फायरी प्लैनेट आपको लीड कर रहे हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन होने से आप में ऊर्जा बढ़ेगी। कैरियर की बात करें तो आज उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो लोग सेल्स से संबंधित कार्य करते हैं। केमिकल कंपनियों में कार्य करने वालों या जो लोग केमिकल के सामान का व्यापार करते हैं उनको अग्नि से संबंधित चीज़ों के प्रति आज सावधान रहना होगा। मानसिकता को एक कुशल व्यापारी की भांति बनाकर रखें। गणित सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को आज अभ्यास पर अच्छा खासा ध्यान देना होगा। शरीर लचीला और ऊर्जावान रहे, इस ओर ध्यान दें। जीवन साथी का सम्मान करें। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। आज के दिन मानसिक रूप से प्रभु का स्मरण करते रहें। अभ्यास करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप कोई कोर्स आदि कर रहे हैं, किसी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों का प्रभाव मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ रहा है। जिन व्यापारियों का कार्य लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहा है उनको सरकार की ओर से राहत मिलने की संभावना। विद्यार्थियों के लिए स्थितियां आज ठीक होंगी। हल्का भोजन जैसे स्पोर्ट खिचड़ी या फलों का सेवन करना चाहिए। पिता के साथ समय व्यतीत करें। यदि साथ नहीं रहते हैं तो फोन पर हालचाल पूछ लें। कन्या यानी कि वर्गो, आज के दिन भी कल की तरह धार्मिक गतिविधियों पर ध्यान देते हुए देवी की उपासना करनी चाहिए। ध्यान रहे आज आलस बिल्कुल नहीं करना, बल्कि अपने पिछले सभी पेंडिंग कार्यों को खत्म करने का टारगेट सेट करना चाहिए। मन में अधिक विचार आएंगे जो आपको लक्ष्य से भटका देंगे, इसलिए कामों की योजनाएं बना लें। कर्म क्षेत्र को देखते हुए आज का दिन दूसरों से कंपटीशन रहेगा। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिन लोगों की परीक्षा है उनको पूरी सजगता के साथ फोकस करना होगा। हेल्थ की बात करें तो बात संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। विवाह की बात जोर पकड़ सकती है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन इन राशि के लोगों को नियमों का उल्लंघन करने से बचना चाहिए। वहीं सभी प्रकार की दुर्घटना संबंधित बातों पर भी आपको सचेत रहना होगा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। सिविल सर्विस में कार्यरत लोग अपने उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें। उनकी बातों को गंभीरता से ना लेना आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकता है। सेहत में जोड़ों में दर्द परेशान कर सकता है। जिन लोगों को यूरिक एसिड की समस्या है वे हाई प्रोटीन के भोजन से बचें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।
बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। आज के दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद की मदद से प्रारंभ करें। जरूरतमंद का तात्पर्य केवल इंसान से ही नहीं इंसानियत से भी है, यानी कि पशु पक्षियों की भी मदद करनी होगी। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो दिन चुनौतियों भरा हो सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको आज मुनाफा मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। वही स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज यूरिन संबंधित दिक्कतों को लेकर परेशान हो सकते हैं। पानी का अधिक सेवन करें। जो लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं उनका आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। कठिन दौर पर एक दूसरे का सहयोग मुश्किलों से निकालने में आपकी मदद करेगा। चर्चा करेंगे धनु यानी कि सजिटेरियस की। आज के दिन अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए कैरियर में झंडे गाड़ने होंगे। वहीं दूसरी ओर कर्म क्षेत्र में सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ। पुराने अटके हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं। ग्राहकों की सुविधाओं का ध्यान रखें क्योंकि इस समय अच्छे ग्राहक आने की संभावना। सेहत को लेकर सजग रहना होगा। कोई भी भारी सामान उठाने से परहेज करें क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति बैक पेन देने वाली बनी हुई है। आज थोड़ा परमार्थ भी करें। यदि किसी दिव्यांग की मदद का अवसर प्राप्त हो तो इतिहास से ना जाने दें। मकर यानी कि कैप्रिकॉन। आज के दिन धर्म और कर्म दोनों ही आयामों में मन लगाकर रखना होगा। यदि पूजा स्थल की साफ सफाई कर सके तो बहुत ही शुभ रहेगा। गुरु की कृपा आप पर है और यही कृपा सही निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन करेगी। वहीं कैरियर की बात करें तो अपने कार्यों को बनाने में कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई भी कार्य करने से पीछे न हटें। आज की ग्रहीय स्थिति को देखते हुए आपको उनसे लाभ मिल सकता है। बात अगर सेहत की करें तो आज आपको पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। परिवार व समाज की ओर से आज दिन सामान्य रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस। आज के दिन शांत व धैर्यवान होकर रहें। पैसों का लेन देन बहुत सोच समझकर करें। यदि कोई आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद लेकर आता है तो उसकी जरूरत के अनुसार उधार देना चाहिए। जो लोग टीम को लीड कर रहे हैं उनको सभी के साथ कम्युनिकेशन बनाकर रखना होगा। जो व्यापारी योग शारीरिक विज्ञान खेल जिम से संबंधित उत्पादों का व्यापार करते हैं उनको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होगा। यदि आप प्रतिदिन तेलीय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो आज इससे बचना होगा। घर की साफ सफाई और इसे डेकोरेट करके रखें। मीन यानी कि पाइसेस। आज के दिन बड़े निवेशों में धन लगाने के लिए कहीं से ऑफर आ सकता है, पर बिना विचार या किसी की सलाह के धन निवेश नहीं करना चाहिए। कर्म क्षेत्र के अनुशासन को भंग करने वाले अधीनस्थों पर कार्रवाई करने की स्थिति बन सकती है। अपने कार्यों के प्रति सतर्क रहें। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलने से कठिन कार्य सरल होते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ को लेकर पेट संबंधित रोगों के प्रति सचेत रहें। वहीं जिन लोगों को पेट संबंधी समस्या अक्सर रहती है उनको परहेज करना आवश्यक। छोटी कन्याओं को चॉकलेट या कोई मीठी वस्तु अवश्य देनी चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।